अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, पार्ट एफ आपने कर लिया था फिर? जी 0.8। 0.8। वो मेरा माइक म्यूटेड था, मुझे समझ नहीं आई थी आपने क्या कहा। आपने उसी मेथड से किया था जो हमने लास्ट टाइम किया था? जी बेसिकली एक्स को 0 करना फॉर्मूला था, 2 माइनस क्या था फॉर्मूला में भूल गया। एट एक्स माइनस के होल स्क्वायर प्लस सम। इस फॉर्मूले से नहीं किया था मैंने। तो आपने कौन से फॉर्मूले से किया था? इससे थोड़ा इजी हो जाता है एक्चुअली। इसी फार्मूले से अगर आप देख लो, सो दिस विल बी वाई इंटू माइनस टू एक्स है। सो टू को आप कॉमन ले लो तो टू बाहर आ जाएगा, तो एक्स अंदर रह जाएगा, माइनस वन डिवाइड बाई टू आएगा वहाँ पे। इस टू को आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो इससे फिर वही आ रहा है। एस टू का आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे आपका वही इक्वेशन बनेगा। तो अब हमारे पास क्या जाता है, y विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, लाइक दिस विल बी माइनस टू स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, सो दिस विल बी फोर एंड x माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस नाइन। अब इसको कंपेयर कर लो ऊपर के साथ। सो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, ए वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस फोर, एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन माइनस वन ओवर टू, नॉट माइनस, प्लस वन ओवर टू। के वैल्यू विल बी इक्वल टू नाइन। तो आपका एच के क्या वैल्यू आ रहा है, प्लस वन ओवर टू कैसे होगा? एक्चुअली यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, साइन दोनों का सेम है। अगर डिफरेंट होगा तो फिर माइनस साइन आपने पुट करना है। सो एच वैल्यू इज 0.5 एंड के वैल्यू इज 9। सो दिस इज द लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। ओके, आपका कर्व पे ये हाईएस्ट पॉइंट होगा या लोवेस्ट पॉइंट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? दिस इज द हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज डिसाइडेड बाय ए। ए वैल्यू इज, अगर माइनस हुआ तो हाईएस्ट होगा, या माइनस हुआ तो हाईएस्ट होगा। So a value is less than 0, that is minus 4. So this is the highest point. Maximum value is at 0.5 and 9. So minimum and maximum value of y and the corresponding value of x. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 and 9 हो जाएगा, सही। Sketch the curve, indicate the y-intercept. तो कर्व को भी आपने 0.5 है, तो दिस इज अच्छा वाई इंटरसेप्ट। इसमें क्या होगा, एक्स को 0 कर लो तो -1 हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 9। तो ये आपका इस तरह कर्व बनेगा। ओके, कहाँ पे क्रॉस करेगा ये पॉइंट आपका, 0 and 8 बनेगा। चल लेकिन अगर मैंने खाली, मुझे बाकी सारी वैल्यूज पता थी तो मैंने एक्स को वो कर दिया 0, तो मुझे सीधा सीधा पता चल गया 0.8। लेकिन दिस इज द वाई इंटरसेप्ट वैल्यू, 0.8 इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू,
0.8 इज द वाई इंटरसेप्ट वैल्यू. अच्छा ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू इज लोकेटेड एट 0.5 and 9. दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन, दिस मेथड इज ए, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड जिसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ और वाई की वैल्यू फाइंड करते जाओ फिर ग्राफ को ड्रा करने. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, सेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 2 स्क्वायर एंड द करेस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ x. स्केच द कर्व y = 3x + 2 स्क्वायर फॉर -3 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू x एंड 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल. This is the general equation. Okay, so compare this equation with the original one. तो आपको यहाँ पे देख लो तो equation आपको ये गिवन है. Okay, तो it means कि आपका hk की value क्या आ रहा है. H वैल्यू इज -2, K वैल्यू इज 0. 0. ये आपने इंटरव्यू क्लास में मैकडोनल्ड्स बिग मैक. क्यों कौन हुआ? वेट ऐड कर. हेलो, हेलो, आई नो हु यू आर. कौन था? मुझे लग रहा है सुमैया थी. सुमैया नहीं था. वेट, सुमैया नहीं होगी. ओके, so this will be -2 and 0. Okay, h k value will be -2 and 0. Acha, so ye point aayega. Ab minimum point value ya maximum hai. So a value is greater than 0. So ये क्या हो जाएगा? This would be the minimum point. Y intercept क्या होगा? वो 0 कर देगा x को. तो 2 square 4, 4 times 3, 12. Y equals to 12, 0. Yes. So 0 and 12 आएगा. बट उन्होंने कहा कि एक्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड इट शुड बी लेस देन 0. तो ये आपका इतना ही कर्व बनेगा. सही है जी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.
प्लस थ्री प्लस नाइन एक्स माइनस एक्स क्यूब इन द फॉर्म ऑफ Okay, this is a you need to shift this value 3 plus 9x minus x square into this form q minus x plus r whole square. अच्छा यहाँ पे देख लो तो x plus r whole square है, so it means के we will need, this is the quadratic equation. Okay, so हमने क्या करना है, इस quadratic equation को हमने shift करना है. So इसको आप लाइक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ. सो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री. ओके, इससे ये हो जाएगा एंड दिस विल बी एक्स होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. तो टू a value is x, b value में क्या put कर लूँ so that I will get 9x. So 9 by 2 put कर लो, so that's will be okay. And यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 9 by 2 whole square. ये उस वही मेथड हम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था, वो फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो था. उसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइक उसमें हमारे पास था कि ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट्स विल बी टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी. तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह मैंने इस तरह लिख लिया एक्स होल स्क्वायर. ओके, अच्छा, सो माय ए इज इक्वल टू ए x हो गया और b r हो गया, बी मेरा आ गया 9 बाय 2. ओके, लाइक इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लो 9 बाय 2 कैसे r नहीं बनता. दिस इज माय a वैल्यू, सो दिस इज 2 a एंड b. बी मैंने 9 बाई 2 इसलिए लिए क्योंकि 2 टाइम्स 9 बाई 2 इज इक्वल टू 9x आता है, इसे वापस 9x आ रहा है इसे. सही है, ये इसी तरह आपने बी की वैल्यू फाइंड करना है. ए की वैल्यू तो आप यहाँ से ले लोगे, बी की वैल्यू आपने इसी तरह फाइंड करना है सो देट आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आ जाए. तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 9 बाई 2 इज इक्वल टू 9x आ जाएगा, वही वैल्यू आ रही दोबारा. प्लस ये भी हो गया माइनस टू ए बी भी आ गया प्लस बी स्क्वायर. तो बी आपका 9 बाई 2 है तो 9 बाई 2 होल स्क्वायर ले लो. सही है, माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा. सही है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा. इससे आपके पास आ जाएगा, इसको चेक कर लो कैसे वही आ रहा है कि नहीं, ये इक्वेशन ऐसे दोबारा आ रहा है कि नहीं. ये देख लो एक्स स्क्वायर, यस वही आ रहा है. सर मुझे अभी समझ नहीं आई, एक्सप्रेस 3 प्लस 9x माइनस x क्वाड इन द फॉर्म q माइनस x प्लस r क्वाड. इसको स्क्वायर आपने पहले आपने स्क्वायर भी कर दिया उसको. एक्चुअली यहाँ पे इसी वजह से मैं ये पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला मेथड मैं इसी वजह से यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे उन्होंने कहा कि x प्लस आर होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर ये वाला टर्म नहीं है, तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको बना रहा हूँ. इसी को फाइंड करने के लिए, x प्लस आर होल स्क्वायर को फाइंड करने के लिए मैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पे इसको चेक कर लो इस इक्वेशन को कि ऐसे दोबारा वही इक्वेशन आ रहा है कि नहीं. माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ये एक्स होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स इंटू नाइन बाई टू.
ये टू आपके इसके टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नाइन एक्स आपके ऊपर आ जाएगी, सही है। और प्लस नाइन बाई टू होल स्क्वायर माइनस नाइन बाई टू होल स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस थ्री आपका वही आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन से आपका वही दोबारा आ रहे हैं, यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस थ्री, गॉट इट। ये वही मेथड है जो हमने पहले किया था। अच्छा वो तो आ जाता है, फिर से आ गया हमारा आंसर कहाँ से। अच्छा यहाँ पे देख लो, तो इस ये आपका ये फॉर्म बन गया, तो अब a दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, सो दिस विल बी x माइनस नाइन बाय टू होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। x a माइनस b, b इज नाइन बाय टू होल स्क्वायर, इसको आप खोल लो तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी, इससे वही बन रहा है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। समझ आ गया आपको कि नहीं? इससे ये तो बनता है, लेकिन हमारा आंसर कहाँ से है? अच्छा आंसर अभी आ जाएगा, आंसर आपका इसको आप फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लो, सो दिस विल बी एक्स माइनस नाइन बाई टू होल स्क्वायर, ये ले लो तो नाइन स्क्वायर 81 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, टू स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 3, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस नाइन बाई टू होल स्क्वायर, और माइनस 81 माइनस 3, तो इसका ये सॉल्व कर लो, माइनस 81 बाय 4 माइनस 3, सो दिस विल बी माइनस 81 बाय 4, तो ये आपका 2 3 93 माइनस 93 बाय 4 हो जाएगा। अब आप ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो, सो यू विल गेट 93 प्लस 93 बाय 4 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 9 बाय 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। ये माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्यू वैल्यू आपका आ जाएगा, क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू 93 बाय 4, एंड आर वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 9 बाय 2। सही है जी। ओके अब हमने क्या करना है, हमने एक्सट्रीम वैल्यू इसका फाइंड करना है। ओके एक्सट्रीम वैल्यू मींस के व्हाट यू विल डू, यू विल नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू अनदर फॉर्म लाइक जो हम पहले करते आ रहे थे। वो y इज इक्वल टू a इनटू x माइनस तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, सो दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस इनटू एक्स माइनस नाइन बाय टू होल स्क्वायर प्लस 93 बाय 4। तो ये आपका हो जाएगा a वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 1, ओके, और h वैल्यू जो है दैट्स विल बी इक्वल टू 9 बाय 2, और k वैल्यू आपका हो जाएगा 93 बाय 4। तो h k वैल्यू आपका आ जाएगा 9 बाय 2 एंड 93 बाय 4,
सही है, तो दिस विल बी लोवेस्ट और दिस विल बी द हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि ए वैल्यू इज लेस देन वन सो दिस विल बी द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, एक्सट्रीम वैल्यू आपका आ जाएगा। सही है, और वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा इस पॉइंट पे, 9/2 होगा। एक्सट्रीम वैल्यू विल बी इक्वल टू 93/4 एंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच दिस एक्सट्रीम अकर दैट इज 9/2। अच्छा, इसके बाद आपने स्केचिंग करना है कि इसको स्केच करना है, तो स्केचिंग आपने किस तरह करनी है, दैट्स विल बी लाइक दिस। नाइन बाई टू से क्या आता है, दैट्स विल बी इक्वल टू 4.5 एंड 93/4 23.5। अच्छा, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अच्छा वाई वैल्यू एक्स वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको ज़ीरो कर लो तो इससे क्या बनेगा, 81/4 बन जाएगा। That means के 3 value आपके यहाँ पे, this is 23.5, तो ये आपके इस तरह आएगा, इस तरह का curve बनेगा आपका। सही, got it? Yes.